क्योंकि ये सामान दिखाते हूँ क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए। और हमने इसका बर्थडे केक आज नहीं काटा क्योंकि कल इसके फ्रेंड्स ने आना घर पे एंड पूरा कमरा देख रहे हो आप साफ एकदम क्लीन है। जस्ट अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाऊंगी एंड सारा कुछ सेट करूंगी, सब कुछ नए पर्दे लगेंगे वो गाइस। फिर मैं लेके आई थी बाबा जी की दो फोटो देख सकते हो, गुरु नानक देव जी की नाले सारे गुरुआ दी। चलो गाइस फटाफट से देख लो आप लोग, बॉल आई एक ठीक है, बॉल बॉल चलो और क्या आया। अच्छा ये आरव के पापा के ये है ये रिंग लिए इन्होंने, सही लग रही है ना एकदम मोबाइल जैसी है। और आरव ने बोली है नेकलेस लिया बस ना, नेकलेस नहीं खंडे खंडे वाला है बेटा, खंडे वाला है वो अभी पापा जोड़ देंगे। एंड गाइस फिर मैंने लिया ये देखो गाइस ये है लाफिंग बुद्धा, ये लिया हमने। ओहो शो क्यूट, बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है। एंड ये लिया, इनको रखना लक्की होता है अच्छा होता है घर पे, आप इनको जरूर रखो। फिर हाँ ये देखो आरव ने ये लिया है क्या, ट्रैक्टर लिया आरव ने साथ में, इसके ट्रॉली मिल जाएगी, एक और ट्रैक्टर है ये वाला ट्रैक्टर है ठीक है, लकड़ी का पूरा एकदम सॉलिड वाला, पीछे इसका ये मिलता है ट्राला सा लग जाता है। और ये किसने छोटे साइज का लिया है, मैंने बोला था एक ट्रक ले ले, कहता है नहीं मुझे यही चाहिए, लेकिन ये छोटे ये पीछे इसका ये लग जाता है यहाँ पे, टूटा हुआ तो नहीं है ना, हमने वैसे चेक कर लिया था पीस ये यहाँ वैसे ठीक है। ये हो गया आरव का सामान, अब एक और सामान वो मैंने लिया, क्या लिया आरव मेरे बहुत कुछ लिया, ये लिया हमने ये कप सेट, ये आरव के पापा की चॉइस थी, मुझे बहुत पसंद आए, मैं कोई और शेप ढूंढ रही थी ध्यान ही नहीं दिया मैंने इन पे, फिर इन्होंने बोला ये वाली ले ले, फिर ये शेप ले ली हमने। तुमको खोल के दिखाते हो जा गाइज, ये देखो ये मैंने लिया है, ये वैसे ले यार मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था कॉम्बिनेशन, चीनी मिट्टी के है कुछ इस तरह से, प्राइस प्राइस किसी का भी नहीं पता यार, आरव ने बहुत हड़बड़ मचा दी थी तो फटाफट बस पैसे देते गए और खरीदते गए, पता नहीं 50 पता नहीं 60 रुपीस के, इतना नहीं याद मुझे ठीक है। ये लिए और ये वाले कप सेट खरीदे हमने, निकालो इधर हाँ ये गाइस ये हमने लिए, फिर कप सेट काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर लगे आरव के पापा की चॉइस है, शेप भी सुंदर, क्वांटिटी भी अच्छी आ जाएगी, अच्छी चाह दी है ना, ना ज्यादा ना कट, ओ बाकी सारे छोटू छोटू सी गए ये अच्छा है। और फिर हमने लिए ये गुरु नानक देव जी, ये थोड़ा सा निकल गया पता, मेरे बैग में थे ना, अभी मैं इनको फिक्स कर दूंगी, ये शीशा सा निकल गया वो दिखा गाइज, ये बैग में से थोड़ा सा और सामान निकला वो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से, वुडन कॉम है ठीक है, ये ले ली हमने दो पीस ले ली वुडन कॉम। एंड फिर ये छोटू सारव ने पियानो लिया, एवं बड़ा वाला मांग रहा था, बड़ा वाला बहुत महंगा बता रहे थे 600,
फिर 100 रुपीज में छोटू सा ले दिया। फिर ये मेरा कड़ा है, ये छोटी सी बाइक ली, बंद करा रहा बेटा। ये वैसे ही यार आरव ने बताया जिद मचा दी थी 20 रुपीज की, ये आरव के पापा ने ले ली मुछ। अकी देते गड्डी चलाने वास्ते कार हैंगिंग ही है। खोल के दिखाइए आरव, दिखाता हूँ, बहुत सुनी है मुछ। ये चेन है, चेन डाल लेनी है और क्या दिखाओ मिस्टर बीन। हाँ दिखाया किदा किदा, मतलब चेन पाके दिखाओ। अच्छा दोनों ही लग गया अच्छा, ये ऐसे हैंग हो जाएगी ना। हाँ सही है, गड्डी दे अगे टंगन वास्ते जिवें दी अपनी मछ ओदा दे इतनी वड्डी मछ ले ली डब्ल्यू होना हुआ है। ये री मेरी कंगी, ये आरव की, और ये देखो खालसा बना इस पे। चलो गाइस यही था आज का व्लॉग। अब हमने करना है थोड़ा सा सफाई सफाई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सफाई। गाइस अब आपने देख लिया सारा सामान, तो 10 मिनट मैं बस लेटने लगी अपने लेंस उतार के, फिर मैं करूँगी अपना फेस वॉश और फिर मैं आपसे मिलती हूँ फेस वॉश करते समय। एक छोटे से प्रोडक्ट का रिव्यू भी शेयर करूँगी मैं, क्योंकि व्लॉग में एक प्रोडक्ट का रिव्यू जाता है तो चलो, क्योंकि वैसे अलग से वीडियो डालो तो फिर यार आप लोग भी नहीं देखते हो, व्लॉग में आप लोग देख लेते हो। एक छोटे से प्रोडक्ट का रिव्यू डालती हूँ एंड आपके बैग में मेरे बैग में और कुछ नहीं है, और है। फिर मैं अपने व्लॉग एंड करूँगी, ठीक है? फिर एक नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोनों जने लग गए मेरे बैग के पीछे, हद है। कमरे का हॉल देख लो, ये बैग है कि तहखाना है? तहखाना ही है। चलो यार मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, अभी बस 10 मिनट लेट जाऊँ, उसके बाद फिर सारी बैटरी अपनी चार्ज करके फिर दोबारा से लगना है एक और नया थर्ड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं दौड़ के चलाया हुआ कैचअप है। ओह शिट, हाँ तो ऐसे नहीं खाते थे, 4 पीस दिए कैचअप तो मैं चपा ले अपने बैग से, हद होगी। यार कौन कौन ऐसे करता है, फिर क्या हो गया? पे तो किया ना हमने, टिश्यू पेपर नहीं चुराया था, टिश्यू पेपर वहीं पे खत्म कर दिए थे। हाँ कैचअप 4 पैकेट पड़े थे, मैंने सोचा क्या करना इन्होंने तो उठाना है डस्टबिन में फेंक देना, मैं उठा के इनको फ्रिज में रख लूंगी। चलो कौन कौन ऐसे करता है, मैं तो करती हूँ। बाय, मिलते हो अभी एक प्रोडक्ट के साथ गाइज। ओके ये क्लिप है 1.25 घंटे के बाद की, क्योंकि रात को मैंने बोला था ना, रात का टाइम था जब हम वहां से होके आए थे, कितने बजे आ गए थे हम, 8:30-9 बजे तक पता नहीं आ ही गए थे। तो मैंने बोला था मैं 10 मिनट के लिए बस अपनी कमर सीधी कर लूं और बस मैं चुप करके ना शांति से लेट जाऊं। मैं सोई थी 1.25 घंटे के लिए, मतलब मुझे इतनी तेज नींद आई, तो अभी मेरा उठने का मन नहीं था क्योंकि हम बाहर से खा पी के आए थे, खाना पीना कुछ था नहीं, डिनर बनाना था नहीं, तो मुझे था कि चलो अब रात को बस दूध वगैरह पी लेंगे एंड सो जाएंगे। लेकिन मुझे करनी थी क्लीनलीनेस, इसलिए मुझे ना उठना पड़ा क्योंकि कमरा भी बहुत ज्यादा मैस था। मैं बस वहीं पे ना साइड में ही कुछ कुछ करके सो गई थी, बट ढंग से भी तो बाकी ने भी तो सो रहा था, हमने देखा था ना रूम में क्या हाल हुआ पड़ा था। फाइनली उठी मैं 1.5 घंटे, आरव क्या बातें कर रहे हैं यार मुझे नहीं पता, मेरे को इतनी मैं नींद में थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बातें कर रहा था, मैं रिएक्ट भी नहीं कर रही थी उसकी बातों की, बस सुन रही थी बस और कुछ नहीं, और दिमाग में चल रहा था भाई कितना सारा काम करना, भी ये भी काम करना, भी वो भी काम करना। आपको पता नहीं यार हाउसवाइफ का क्या दिमाग होता है, कई बार बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो बस मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर कोकोनट ऑयल मैंने लिया हल्का सा, उसके साथ बस मसाज कर ली ताकि सारा मेकअप अच्छी तरह से मेरा निकल जाए। बहुत बेसिक वाला मेकअप था, बट मेकअप मेकअप होता है, अच्छी तरह से निकाला करो तभी आपके स्किन क्लीन रहेगी, पिंपल्स रहित रहेगी, नहीं तो आपको पिंपल्स हो जाएंगे इम्प्योरिटीज की वजह से। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस वॉश, इसी प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू भी शेयर करना था। दोनों प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चारकोल हम क्यों यूज करते हैं आप बताओ, इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी स्किन को,
तो ये वाला जो फेस वॉश था काफी ना माइल्ड था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से आपकी ना स्किन, माइल्ड इन द सेंस कि ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को, और अच्छी तरह से आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके जितने भी पोर्स हैं वो उनको अनक्लॉग करेगा, सीबम को कंट्रोल करेगा और स्किन को प्योरीफाई करेगा। तो अच्छी तरह से मैंने फेस वॉश को अप्लाई किया, तो फिर उसके बाद मैं पानी के साथ इसको वॉश करूंगी। अगर आपका बहुत ज्यादा बाहर का काम है ना, जैसे बाहर आप डेली जाते हो, धूल मिट्टी में आप रहते हो, आपको पता है, तो आप चारकोल रेंज ट्राई करो। उससे क्या होगा ना गाइज, आपकी स्किन डेली की डेली क्लीन होती रहेगी। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ चारकोल स्क्रब, ये भी एल्प्स गुडनेस का, ये भी काफी अच्छा वाला स्क्रब था और एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स थे। स्क्रब हफ्ते में 2 बार तो आप जरूर ट्राई किया करो कि आपने लगाना ही लगाना है, और काफी माइल्ड था ये भी, ड्राई आउट नहीं किया इसने मेरी स्किन को। अच्छी तरह से मैं इसके साथ स्क्रबिंग करूंगी, लाइट हैंड से क्लेंस करेगा, प्योरीफाई करेगा आपके पोर्स को, जितनी भी इम्प्योरिटीज है या फिर एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करेगा, डेड स्किन हटाएगा। मैंने ना कल बहुत ज्यादा काम किया था घर पे, बहुत ज्यादा गंदगी ये वो, बड़ा मिट्टी थी यार, धूल मिट्टी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो स्क्रबिंग नहीं की थी स्किन के ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि चलो बाहर से भी होके आई हूँ, हल्की सी स्क्रबिंग कर ही लूँ। उसी समय कर लो ना तो स्किन थोड़ी सी देखो क्लीन रहती है, रिफ्रेश रहती है। दैट्स इट, बस यही वाले 2 प्रोडक्ट्स है जिसके साथ मैंने अपना वो किया। बाद में मैंने अपना जस्ट वही टोनर, सीरम, लिप बाम वगैरह, क्रीम वगैरह मैंने लगा ली, और उसके बाद मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए और फिर लग गई अपने काम। देखो ये सारा कुछ करने के बाद मैंने फिर घर की सफाइयां की, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ये सब, बट अब देखो घर की सफाइयां भी करूँ। गाइज ये है वो 2 प्रोडक्ट्स, दोनों के परचेज लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दोनों का मैंने आज आप लोग के साथ ना रिव्यू शेयर किया है। ये है एल्प्स गुडनेस की चारकोल रेंज। चारकोल हम यूज करते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्किन को, और अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो भी आप ये वाली रेंज को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा धूल मिट्टी, बाहर पोल्यूशन, रोज अगर आपने बाहर जाना है तो भी आप इस रेंज को ट्राई करो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप धूल मिट्टी के साथ एक्सपोज में होते हो, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोकस क्लेंस करता है, पोर्स को क्लॉक करता है, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है। 100 ml आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, 130 rupees इसका प्राइस है। चारकोल स्क्रब की बात करें तो एक्सफोलिएट करेगा, पोर्स को क्लेंस करेगा, रिमूव करेगा एक्सेस ऑयल को। 29 ग्राम इसकी पैकेजिंग है और 99 rupees आपको इसका प्राइस है। परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अब अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अपना फेस वॉश कर लिया, क्रीम क्रूम लगा ली, कपड़े बदल लिए, फेस वॉश कर लिया, मैं क्रीम क्रूम लगा ली, बस चलो अब।
गाइस झाड़ू लगा लिया सारा मैंने, आपने देख ही लिया। पूछा अब लगाने की बारी आई ना, तो आर के पापा बोले थे मैं दो कमरे लगा देता हूँ, तो बाकी के दो कमरे तुम लगा लेना और बाहर का तुम कर देना। तो हेल्प कर रहे थे यार मेरे, उनको भी लग रहा था बेचारी बड़ी देर से लग गए, खुद भी इतनी देर खड़े होके पर्दे लगाए, सारा कुछ उसको किया, क्लैंप वगैरह उसका लगाया। पर्दों का लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, येलो कलर के, पता नहीं यार कैसे लग रहे, आपको बताओ ना। मेरे को ना इतनी डेकोरेशन आती नहीं है, तो इतना ज्यादा जजमेंटल मत होना। तो बस जो भी मेरे को थोड़ा वो समझ में आता है, येलो ना थोड़ा सा एकदम ब्राइट थोड़ा सा मुझे फील हुआ व्हाइट के ऊपर येलो। पहले हमारा ब्राउन कलर के लगे थे, तो मुझे एकदम उससे डिफरेंट कुछ लगाना था, तो इसलिए मैंने ये येलो ट्राई किया। आपको कैसे लगे? इस तरफ जो मैंने लगाए थे वे बेज कलर के मैंने पर्दे लगाए थे, तो वो मेरे सोफे के साथ, क्योंकि सोफा बहुत ज्यादा कलरफुल था ना। कैसे लगे आपको बताना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने भी फिर से बाहर वाली जगह पे पोछा लगाया था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बैंड बज गई थी पीछे। अब टाइम देख रहे हो 1:15 बज रहा है। उसके बाद फिर पता है गर्म पानी मैंने किया था, फिर मैं नहा के भी आई थी, नहाने के बाद फिर मैं सोई थी। दोनों को तो सुला दिया था क्योंकि दोनों यार मतलब अरबी थक गया था और उसके पापा भी थक गए थे। मैं तो सारा काम करके, क्योंकि मुझे था ना कि अगले दिन मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोज को भी एडिट करना है, तो रात को ना सारा झाड़ू पोछा ये वो सब करके सोऊं मैं। एंड फिर यार नेक्स्ट डे अरब के घर पे बच्चों को बुलाना था शाम को, तो फिर उसके लिए मुझे घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना था एंड खाने वगैरह का भी बाहर से ऑर्डर प्लेस। यार मतलब बहुत सारे काम होते हैं, रात को मैं करके सोना चाहती थी। ये लोग दोनों ना अभी कोई गाना गा रहे थे, पता नहीं क्या गा रहे थे, इसके पापा गाना भी, एंड में ना आपको एक क्लिप ऐड कर दूंगी। तो बस गाइज यही था आज का व्लॉग, पता नहीं कैसा लगेगा आपको। हल्की फुल्की डेकोरेशन की थी मैंने अगले दिन, तो वो आपको अगले व्लॉग में दिखाती हूँ, फोर्थ व्लॉग में। आज का व्लॉग शायद वैसे ही बड़ा लंबा सा हो गया है। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स कर्टन्स के भी और एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट्स के भी मैं डाल दूंगी। तो या मिलते हैं। पकड़ गया मिट्टियां अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे सुना दे रे वाला गाना, ये वाला पूजा काले का